भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले, महल, उद्यान आज भी राजाओं, महाराजाओं, नवाबों की याद दिलाते हैं। ये अपने समय के प्रचलित सभ्यता, संस्कृति, भवन कला और उन निशानियों की याद दिलाते हैं जो कि आज भी इनमें मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे सेगमेंट यात्रा पर्यटन में, जिसमें हर बार आप जानते हैं एक नए और बेहतरीन जगह के बारे में। वैसे तो मैंने यहाँ कई अच्छे रहस्यमय स्थानों का जिक्र किया है आपके पास, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्यटक स्थल के बारे में जिसे एक महान राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के इतिहास में कई राजाओं ने अपनी रानियों की कई किले और उद्यान का निर्माण करवाया था, और आज हम जिस जगह की बात करेंगे वह इन्हीं उद्यानों में से एक है। तो आइए जानते हैं जयपुर के सिसोदिया उद्यान के बारे में खास बातें। जयपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर बनी है प्रेम की एक अनूठी मिसाल। एक राजा ने रचना की उस वक्त खूबसूरत गुलिस्तां की जहां मौजूद है उनके अपार प्रेम की दास्तां। उदयपुर की रानी चंद्रकवर सिसोदिया के नाम पर सन 1728 में सवाई जयसिंह ने एक बाग बनवाया, जो आज सिसोदिया रानी के बाग के नाम से जाना जाता है। जयपुर के राजाओं के प्रेम के प्रतीक प्रमुख स्मारकों में सिसोदिया रानी के बाग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की सुंदरता की बात करें तो महारानी को जयपुर की प्रकृति से विशेष प्रेम था। शायद यही वजह रही कि वे अक्सर यहाँ आकर प्राकृतिक के गोद में आराम किया करती थी। ना सिर्फ ये बाग प्राकृतिक संपदा का एक खूबसूरत मिश्रण है, बल्कि ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है। पहाड़ों के घेरे के बीच में बना यह बाग अपनी सुंदरता और बनावट के कारण आज पर्यटकों के घूमने का मुख्य स्थल बन गया है। मुगल आर्किटेक्चर पर बने इस बाग को फलदार वृक्षों और क्यारियों सहित बगीचों से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ के चित्र इस बाग की केंद्रीय थीम के मायने में एकदम सही बैठते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण और राधा के बीच खिलते प्रेम को भी दिखाते हैं। बात करें 17वीं और 18वीं सदी की, तो यह सुंदर बाग जयपुर की शाही युवतियों को गर्मी में मनोरंजन प्रदान करता था। बाग के आसपास मौजूद भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान हनुमान के मंदिर बाग के आनंद को और बढ़ाते हैं। जयपुर के प्राकृतिक का यहाँ से नजदीकी नाता है। पर्यटक के लिए जयपुर के किले की थका देने वाली यात्रा के बाद यहाँ का न सिर्फ प्राकृतिक सांत्वना मिलती है, बल्कि सदियों से बहती आ रही प्रेम पवन में सराबोर होने का एक मौका भी मिलता है। सिटी पैलेस के पोथीखाना की डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रमणि के अनुसार, जब महारानी चंद्रकवर जयपुर की राजमाता बनी, तब उनके बेटे महाराजा माधव सिंह ने जयपुर के एक नए राजा नियुक्त किए गए। वो अपनी माँ के प्राकृतिक प्रेम से वाकिफ थे, जिनकी वजह से ही उन्होंने राजमाता के लिए मांझी का बाग बनवाया। यहाँ आज राजमहल पैलेस होटल स्थापित है। आगे आपको बता दें कि उदयपुर के प्राकृतिक वातावरण में पली बड़ी सिसोदिया की रानी प्राकृतिक प्रेमी थी। उन्हें शहर की गहमा गहमी और प्रशासनिक वातावरण रास न आता था। इसी कारण राजा जयसिंह ने उनके लिए प्राकृतिक की गोद में यह खूबसूरत गार्डन बनवाया। गार्डन की बनावट भव्य है। यह उस समय की गार्डन तकनीकी में भी सबसे भव्यता से बना हुआ गार्डन है। मुगल शैली के स्थापत्य ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया। दो स्तरों में बने इस गार्डन में दो मंजिला खूबसूरती मनमोहक है। दीवारों, परामदों, छतरियों और तिवारियों का पित्त वर्ण आंखों का जहां सुकून देता है, वहीं बाग और फुलवारी की बनावट दिल दिमाग पर छा जाती है। इस बगीचे की शानदार मुगल शैली के बगीचे और फुलवारी, फुआरे, परामदे और तिवारियों की आकर्षण भित्रकारी और चित्रकारी, पन्नीकारी का न केवल पर्यटक की आंखों को सुकून देता है, बल्कि साथ ही उस समय की कलात्मक का लोहा मनवाता है। यहाँ दीवारों पर कृष्ण राधा के प्रेम को अलौकिकता का सार देते चित्र जादू पैदा करते हैं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच कलात्मक का ऐसा खूबसूरत नमूना नौसर्गी एहसास कराता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिसोदिया रानी के बाग के आकर्षण से बॉलीवुड भी आज तक बचा नहीं है। वर्ष 1991 में अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म लम्हे में सिसोदिया रानी के बाग की खूबसूरती को बेहतरीन रूप से प्रदर्शित किया गया है। यदि आप जयपुर भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो सिसोदिया रानी का बाग विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इसका भ्रमण करने के बाद आपकी आंखों को जीवन भर आपका धन्यवाद ज्ञापित करेगी। सिसोदिया रानी का बाग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस बाग का विशाल लैंडस्केप भारतीय और मुगल वास्तुकला का मेल है। सुंदर बड़े लॉन जिसमें हरे वनस्पति
और मौसमी फूलों की बहार के साथ खूबसूरत फुहारे, गैलरी, मंडप, झिलमिलाते सरोवर, किराने से छटनी की हुई फूलों की क्यारियां और भगवान कृष्ण की कहानियां बताते विभिन्न भांति चित्र यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ आना आपको एक अलग ही अनुभव देगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की यात्रा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और प्राचीन स्थान के बारे में लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।